तो और भाई लोग क्या हालचाल, एकदम बढ़िया। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत सारी टेक खबर है हमारे पास, तो पूरा आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। जो पहला टेक न्यूज आ रहा है वो है मैजू कंपनी जो है उनका 18 और 18 प्रो, यहाँ पर कुछ लीक्स हमारे पास आ चुका है उनका जो मोबाइल स्मार्टफोन आने वाला है उसका। तो मैजू 18 का जो स्क्रीन होने वाला है वो है 6.2 इंच का आपको स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। और जो 18 प्रो है मैजू 18 प्रो, तो उसका जो डिस्प्ले होगा QHD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। जो अगला टेक न्यूज़ आ रहा है वो रियलमी की तरफ से। रियलमी का अभी आप सभी ने लॉन्च इवेंट देखा ही होगा, चाइना में लॉन्च इवेंट था उनका अभी, जहां पर उन्होंने रियलमी GT और उसी के साथ अदर चीज़ें भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। वैसे ही अभी 2 मार्च को फिर से उन्होंने एक लॉन्च इवेंट रखा है जिसमें रियलमी 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन और बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो सेम ट्रिक यहाँ पर आपको मतलब रख के उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारा जो इवेंट होगा 2 मार्च को यहाँ पर रख दिया है उन्होंने चाइना के अंदर। तो देखते हैं भाई अभी रियलमी 8 सीरीज के कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, ये तो भाई अभी 2 मार्च को ही पता चल जाएगा। रेडमी नोट 10 जो मोबाइल है वो बहुत ही जल्दी इंडिया में सेल पे जा रहा है और अनऑफिशियली इसका प्राइस बताया जा रहा है 17,000। तो क्या लगता है कि आप Redmi Note 10 लोगे या नहीं लोगे 17,000 के प्राइस में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। यहाँ पर जो अगला टेक न्यूज़ आ रहा है वो है Vivo की तरफ से। तो Vivo ने ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दिया है iQOO Neo 5 जो है वो आपको बहुत ही जल्दी मतलब 16 मार्च को ऑफिशियली वो अनाउंस कर दिया कि रिलीज कर देंगे। तो देखते हैं भाई। और उसी के साथ इसके अंदर आपको 870 का एकदम फ्लैगशिप सेट देखने को मिलने वाला है। और जो अगला टेक न्यूज़ है वो है, आप सभी को पता ही होगा सैमसंग का टैब S7 बहुत ही चला था, तो उसी का लाइट वर्जन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं सैमसंग वाले, जिसके अंदर आपको 750G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन का 750G। तो कौन कौन लेने वाला है आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो गाइस कल के इवेंट में रेडमी की तरफ से मतलब Xiaomi की तरफ से रेडमी के 40 सीरीज यहाँ पर चाइना में लॉन्च कर दिया उन्होंने, तो बहुत डिस्कशन ग्लोबली डिस्कशन हो रहा है और बहुत जनों का अंदाज है कि भाई जो K40 सीरीज का एक मोबाइल जो है 870G चिपसेट पे आपको देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 870 जो चिपसेट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, जिसका प्राइस अभी आपने देखा होगा लगभग 22,000 है। क्या वही रेडमी का K40 सीरीज का कोई भी मोबाइल आपको एज अ पोको F2 इंडिया में देखने को मिल सकता है? तो ऐसी चर्चा बहुत जगह पे है। तो आपको भी क्या लगता है, K40 सीरीज का ही रीब्रांड होके आपको पोको F2 में देखने को मिल जाएगा या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाई एक नंबर का काम हो जाएगा, क्योंकि 870 चिपसेट खतरनाक है भाई। 865 प्लस का चिपसेट और 888 जो स्नैपड्रैगन 888 है उससे बीच वाला चिपसेट ओ भाई। और इसका प्राइस अगर 22,000 के आसपास रहा ना भाई, मैं तो जरूर लूँगा और आपके लिए रिव्यू बनाऊंगा इसका, क्योंकि मैंने खुद पोको F1 यूज़ किया है पबजी के लिए, तो आप समझ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप आपको देखने को मिलने वाला है Acer की तरफ से, जिसके अंदर आपको AMD का 5000 CPUs यहाँ पर देखने को मिलने वाले है। तो आपको क्या लगता है, ये गेमिंग लैपटॉप चलेगा या नहीं चलेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो अगला टेक न्यूज आया वो है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का भाई जो टीवीज है ना वो ग्लोबली बहुत ही ज्यादा बिकता है, सैमसंग के टीवी पे बहुत ही ट्रस्ट करती है पब्लिक, तो ये लगातार 15वें टाइम भाई ये लीड कर रहा है, सबसे आगे रह रहा है सैमसंग का टीवीज बेचने में, तो आप समझ सकते हैं। तो मतलब सैमसंग का क्वालिटी तो भाई पहले से ही बेस्ट है, थोड़ा सा फीचर्स में पीछे पड़ रहा है, तो आप समझ। यहाँ पर जो Redmi का Note 10 सीरीज है आप सभी को पता ही है बहुत ही ट्रेंडिंग में अभी, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि Redmi का Note 10 Pro जो वेरिएंट होगा उसके अंदर ही आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, बाकी के जो 2 वेरिएंट होंगे उसके अंदर आपको देखने को मे बी नहीं मिल सकते है, जो प्रो मैक्स होगा तो उसके अंदर ही आपको देखने को मिल सकता है। अगला टेक न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का गैलेक्सी M12 जो मोबाइल है वो पावर्ड बाय एक्सनस 850 चिपसेट के साथ बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं भाई कब तक आता है, ऑफिशियली डेट तो अभी तक आया नहीं, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है OnePlus 9 सीरीज जो कि अभी मार्च के अंदर लॉन्च होने का पूरा चांस है और बहुत ही जल्दी आपको उसके 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, OnePlus 9 और OnePlus 9 प्रो या कुछ अलग से, और उसी के साथ OnePlus 9e वेरिएंट भी आपने सुना होगा, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है
जो कि अफोर्डेबल फोन होगा, जैसे वन प्लस नॉर्ड जो बहुत ही चला था 28-27 thousand का जो था, तो उसी तरह से आपको 9 सीरीज में भी वन प्लस 9R इस तरह का नाम रखा जा रहा है, ऐसे बोला जा रहा है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, जो 9E था उसी की जगह वन प्लस 9R नाम हो सकता है उसका। तो भाई अब ये तो आने के बाद ही हमको पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पर ग्लोबली आईफोन 11 जो मोबाइल है ना भाई, 2020 में सबसे ज़्यादा बेचा गया शिपमेंट बोल सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करती पब्लिक, तो बहुत ही ज़्यादा बेचा गया हुआ मोबाइल है आईफोन 11, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं। और उसी के साथ शाओमी और सैमसंग का उसमें टॉप 10 में नाम आ ही जाता है। जो अगला टेक न्यूज़ है वो आ रहा है बाउंस बाइक इलेक्ट्रिक स्टार्टअप की तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि उनका खुद का बाउंस ई स्कूटर आपको बहुत ही जल्दी मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और उसका प्राइस 55,000 आपको देखने को मिल जाता है। तो क्या लगता है गाइस, आपको ये स्कूटर लेना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसका प्राइस 55,000 है। बाकी स्कूटर अगर आप देखते हो जो कि डीजल पेट्रोल पे चलती है, तो उनका प्राइस भाई 70-80 हज़ार के आसपास है, और ये अफोर्डेबल है, तो मुझे लगता है यार इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए। यहाँ पर गूगल पिक्सल की तरफ से जो एक फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो फोल्डेबल फ़ोन का रूमर्स था तो वो सच है कि भाई गूगल पिक्सल का एक जो फ़ोन आएगा वो फोल्डेबल फ़ोन होगा, और वो फ़ोन आपको 2021 के एंड तक आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो अगला एंड लास्ट टेक न्यूज़ है हमारा, तो मिकाई कोर जो यहाँ पर स्मार्ट वॉच बनाती कंपनी, तो उनकी तरफ से यहाँ पर 5th E वाला जनरेशन वाला स्मार्ट वॉच यहाँ पर लेडीज़ के लिए लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर, जिसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है लगभग 25,500 या 26,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। 26,000 ही पकड़ लो भाई साहब, जो कि स्पेशल लेडीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो बस भाई लोग यार आज की टेक न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी टेक न्यूज़ अच्छी लगती है तो यार एक लाइक एंड शेयर बनता है, और उसी के साथ यार जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आऊँगा। तो चलो बस आज की टेक न्यूज़ में बस इतना ही था, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।